नमस्कार दोस्तों, एवी सामान्य ज्ञान में आपका स्वागत है। कंप्यूटर भाग चार, तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बैबेज हैं। इसका आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। अगला है, डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसने बनाई थी? इसका आंसर होगा जे एस किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाई थी। अगला प्रश्न, WWW का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न, ALU का पूरा नाम क्या होता है? ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न, टेलनेट का पूरा नाम क्या है? टेलनेट का पूरा नाम टेलीफोन नेटवर्क है। अगला प्रश्न, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? इसका आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न, लैन का पूरा नाम क्या होता है? लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको समझने में आसानी होगी। अगला प्रश्न, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, LIFO लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है? लिफो का फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। यह इसका आंसर हो जाएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला प्रश्न है, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको याद कर लीजिए दोस्तों, परीक्षा में बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं तो हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको अभी याद कर लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? प्रथम कंप्यूटर माउस डगलस इंजेलबर्ट ने बनाया था। डगलस इंजेलबर्ट। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम इनियक है। अगला प्रश्न, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? या टेलीफोन लाइनों को जोड़ा जाता है मॉडेम से, तो मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न, सी लैंग्वेज कौन सी भाषा है? तो सी लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला प्रश्न, रोम के अंदर कौन सा प्रोग्राम होता है? तो जनरली रोम में प्रोग्राम होता है फर्मवेयर। अगला है, RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? RDBMS को क्या कहा जाता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर भारत में कहाँ है? सुपर कंप्यूटर परम भारत में कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पुणे में। अगला प्रश्न, ODBC का पूरा नाम क्या होता है? ODBC का पूरा नाम ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है। अगला प्रश्न, टेलनेट क्या होता है? तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न, अल्टा विस्टा क्या है? तो दोस्तों, अल्टा विस्टा सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, मैन वैन का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर मैन का पूरा नाम होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का पूरा नाम होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न, CPU का पूरा नाम क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट
1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है। अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, किसने किया? विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? क्रे रिसर्च कंपनी सीआरसी ने, क्रे रिसर्च कंपनी सीआरसी। अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट पर इंच होता है, डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है? ओसीआर का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है? दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट है, पंच कार्ड के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर होगा हरमन होलेरिथ। अगला प्रश्न है, इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? इंटेल कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अगला प्रश्न, हाफ बाइट को कहा जाता है? तो दोस्तों, हाफ बाइट को निब्बल कहा जाता है, यह 4 बिट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, बाइनरी अंक पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 0 और 1 अंक होते हैं, यह 0 और 1 कार्य पद्धति पर कार्य करता है। अगला है, वोलाटाइल मेमोरी कही जाती है? वोलाटाइल मेमोरी रैम मेमोरी को कही जाती है, यह कुछ समय बाद या बिजली चले जाने पर डेटा जो है नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी कही जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसका उपयोग हाइपरलिंक करने के लिए करते हैं, टेक्स्ट को हाइपरलिंक करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, सेलेरियन पेंटियम और कोर i3 i7 सीरीज किससे संबंधित है? सेलेरियन पेंटियम कोर i3 और i7 किससे संबंधित है? तो यह कंप्यूटर प्रोसेसर है, कंप्यूटर प्रोसेसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न नहीं है, एंड हो चुका है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।